नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण क्षेत्र के बद्रा इलाके में स्वरा फाउंडेशन के नेतृत्व में सभी प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वरा फाउंडेशन की तरफ से स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान मनोरोग संबंधी समस्याएं या महिला से जुड़ी समस्याओं का भी शिविर में आयोजन किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने बताया, कई स्कूलों में निःशुल्क मनोरोग विशेषज्ञ से जुड़ी समस्याओं का भी निस्तारण किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान मनोरोग संबंधित एवं विभिन्न रोगों के डॉक्टरों के टीम के साथ आंख, नाक, कान, गला, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आदि का निरीक्षण निःशुल्क किया गया। शिविर आयोजन में महिला और पुरुष ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने बताया, कोरोना काल में भी मनोरोग से जुड़ी अधिकतर समस्याओं का भी ऑनलाइन निस्तारण किया गया। मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी है, मैं काउंसलर एंड थेरेपिस्ट हूँ। और ये जो कैंप लगा है स्वरा फाउंडेशन की तरफ से लगा है, जिसमें कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, पूरे शरीर की जांच है, साथ में मनोरोगी संबंधी समस्याओं की जांच भी हो रही है। जो स्वरा फाउंडेशन है, ये बेसिक काम जो करती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके की हो उनसे रिलेटेड काम होता है। स्कूलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगता है तो उसमें हमारा वर्कशॉप एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। अभी तक कितने स्कूलों में आपको इस तरीके से काम लगाए हैं? सर, पिछले 3-4 सालों से लगा रहे हैं। तो स्कूल तो साल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो साल में 15-20 स्कूल हो जाते हैं, जैसे आपका गुलमोहर है, श्रीराम है और कई सारे स्कूल हैं वहाँ पर पे यूपी किराना है। तो यहाँ पर साल में एक बार जो काउंसलिंग प्रोग्राम होता है उसके तहत हम बच्चों में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या टीचर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन सब से डील करते हैं। किस तरीके से इलाज करते हैं? सर, इसमें हर तरीके, सबसे पहले तो बच्चों का असेसमेंट होता है, उन्हें प्रॉब्लम क्या है। और सबसे पहले जैसे बच्चा अगर बदमाशी ज़्यादा कर रहा है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बदमाशी कर रहा है, बदमाशी करने और बदमाश होने में बहुत अंतर है। बदमाशी एक उम्र के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो बच्चा बहुत चंचल है वो एक उम्र के बाद अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। तो ऐसे जितने भी बच्चे जिनको लर्निंग की प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की समस्या है जो मानसिक स्तर पर सुधारी जा सकती है, उसका यहाँ पर पे हम असेसमेंट करते हैं। टेस्टिंग प्रोसेस होता है, रेमेडियल क्लासेस चलती हैं, स्पीच थेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी होती है, जो बच्चे की आवश्यकता अनुसार इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अलग अलग कराए जाते हैं। सर, 250 के आसपास तो लोग आ चुके हैं, अभी डेटा पूरा हमारे पास है नहीं, जिसमें से 20 लोग जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थे और बाकी जो है वो जनरल से है।